अगर इंसान में कुछ करने का जज्बा हो तो फिर उसे अपनी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। तस्वीरों में दिख रहे इस दिव्यांग लड़के का नाम कृष्ण कुमार है, जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन कृष्ण कुमार ने पैरों से ही अपनी कामयाबी की दास्तान लिख दी। उसने 12वीं की परीक्षा में 500 में से 414 अंक लाकर न केवल दिव्यांगता को हराया, बल्कि लोगों के सामने ये उदाहरण भी पेश कर दिया कि उसके लक्ष्य तक पहुंचने से दिव्यांगता रोक नहीं सकती। पढ़ाई के लिए हर दिन 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचने वाले इस होनहार छात्र ने उत्कृष्ट विद्यालय मऊगंज के टॉप 10 छात्रों में जगह बनाई। मजबूरी और मुफलिसी को हराकर कृष्ण कुमार पैरों से कलम पकड़कर कुछ इस तरह लिखते हैं कि हाथों से लिखने वाला भी शर्मा जाए। 12वीं कक्षा का टॉपर बनकर वे आज पूरे प्रदेश में छाए हुए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने भी उनकी सफलता पर तारीफों के कसीदे गड़े हैं। दरअसल कृष्ण कुमार के दोनों हाथ जन्म से नहीं थे। अपने 3 भाई और 4 बहनों के बीच न केवल चलना सीखा बल्कि पढ़ाई में भी मन लगाया। बचपन से ही पैरों से सारे काम करने का हुनर खुद ही विकसित किया और मजबूत इरादे और बुलंद हौसले से वह मुकाम हासिल किया जो हाथ वाले भी न कर पाए। कृष्ण कुमार की दिव्यांगता पर आंसू बहाने वाला परिवार आज उनकी सफलता पर गदगद है। कृष्ण कुमार आगे चलकर कलेक्टर बनना चाहते हैं ताकि वे अपने घर का सहारा बन सकें। मैं कलेक्टर बनना चाहता था, मगर वे हमारे इतनी बड़ी हैसियत नहीं हो पाई, मेरे पिताजी नहीं सो कर पाएंगे कि पढ़ाने के लिए आगे के, तो सरकार से यही मदद चाहता हूँ। आर्थिक समस्याएं सभी भी पैसा रुपये सभी की समस्या पड़ती थी बड़ी। कृष्ण कुमार की इस सफलता पर उनके शिक्षक फूले नहीं समा रहे। वे बताते हुए बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं कि कृष्ण कुमार उनका छात्र है। हम तो बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं इसके 100%। इतना अच्छा विद्यार्थी, मतलब जो विकलांग हो और इतना मार्क्स लाए बिना हाथ के, तो गर्व करने लायक ही है। मऊगंज तहसील के हरजई मुढ़ान गांव के रहने वाले कृष्ण कुमार की इस उपलब्धि से पूरा गांव खुश है, लेकिन उनके पिता एक तरफ बेटे की सफलता पर खुश हैं तो दूसरी तरफ अपनी गरीबी पर दुख जताते हैं। कि अपने मेहनत का फल है, मैंने मेहनत करी तो मतलब परीक्षा में हासिल हुए। अब परेशानी तो बहुत इनका उठानी पड़ी, इसलिए कि हमारे पास जो है तो परेशानी गरीबता है, हमारे पास वाहन आने जाने के इनके पास नहीं है, और इसके बाद घर में परेशानी बहुत ज़्यादा है। अपने पास घर द्वार नहीं है, देख रहे हैं, और सामने जो है तो बहरा की नाली से सीधे एक नदी के बराबर पानी रात दिन बराबर चलता है, हमारे घर में पानी भर जाता है, और आज तक हमारे शासन कैसे हमको कोई नहीं मिला वो कोनो चीज़ का। वो अब यही हम सोच रहे हैं कि मेरे शासन जो है तो हमारा कोई मदद करे, हमारे बच्चों की मदद करे। दरअसल कृष्ण कुमार का परिवार बेहद गरीब है। उनके 3 भाई बहन हैं तो पिता मजदूरी करके घर का गुजारा चलाते हैं। आलम यह है कि उनके पास रहने के लिए पक्की छत भी नहीं है, लेकिन कृष्ण कुमार ने ये गरीबी अपनी सफलता के आड़े नहीं आने दी। यही वजह है कि अब परिवार को लग रहा है कि कृष्ण कुमार की यह सफलता उनका भाग्य जगा सकती है। उसकी इस सफलता के बाद उनकी मदद के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और जिले के कुछ लोगों ने उनकी मदद का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।